हम लोग रिच कर गए आराम से, हमें टैक्सी मिल गया, टैक्सी मतलब ऑटो ले लिया हमने, और ऑटो से फटाफट से हम लोग पहुंच गए रूम पे। और हम इधर बिल्कुल नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरा बेटा मेरा पैंट के घूम रहा है, और ये आते के साथ ही सुबह से पैंट पहना हुआ, तो इसको बहुत अनस हो रहा था, तो ये खोल ओल के हम आराम से बैठ गया। और अभी इसका कार्टून लगा के गया था, सो अब हम यहाँ पे, तो बाहर से हम लोग जो रोड से बीच देखते हुए आए वो बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट, थोड़ा मार्केट घूम लेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। और वैसे हम यहाँ पे सिर्फ आज रात हैं और कल रात है, और परसों हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। अभी तो आज जा रहे हैं, अभी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। चलो फिर आज मार्केट, और यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस ही है हमें मार्केट जाने के लिए। तो बाहर से तो बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा था, क्या शिवानी, बाहर से तो बहुत कुछ अच्छा दिख रहा था। तो अब सोच रहे जाके फिजिकली देख लिया जाए, तब तो पता चल जाएगा कि लोकल में क्या क्या है। और हम बहुत फटाफट से हमने होटल बुक किया था, इवन आप सब पूरी स्टेशन पहुंच के, क्योंकि हो नहीं पा रहा था बुकिंग, तो पूरी स्टेशन पे ही बैठ के अभिषेक होटल बुक किया, क्योंकि हमें को इस प्लेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसा है क्या है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, रिस्क नहीं लेना सही नहीं रहेगा, नई प्लेस है नई जगह है, तो पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, होटल पहले से बुक है, कितना क्राउड होगा होटल में, क्या होगा, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था होटल का, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम में से कोई भी इसके पहले नहीं आ चुका है पूरी। तो फिर इसलिए हम लोगों ने फटाफट से बुक किया, उसके बाद निकले टैक्सी लेके आराम से यहाँ पे पहुँच गया। सोख चल रहा है यहाँ देखो ना। वाह वाह हम लोग शो देखेंगे, हम लोग शो देखेंगे। कौन सा मूवी चल रहा है जल्दी बताओ, कहाँ तक पहुंचा मूवी? मूवी अभी सैलाब आया है। और यहाँ पे ऊँट भी था, तो ऊँट की सवारी करने के लिए वो काफ़ी परेशान था, और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे ऊँट चल रहा था, फिर यहाँ पे घोड़ा चल रहा था, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था सी बीच के किनारे। और फिर हम आ गए यहाँ पे शंख वगैरह कुछ लेने के लिए, तो यहाँ गोमती चक्र था, शंख था, तो छोटी मोटी सी चीज़ें हमने ली, लेकिन शंख हम सोचे कि बाद में लेंगे, ये ले लेंगे वैसा ले लेंगे, करते करते क्या हुआ, हम नेक्स्ट डे के लिए लिए और शंख हमारा रह गया। और ये देखो मैं गोमती चक्र बुन रही हूँ, भाई जो छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पे, और सस्ती भी मिल जाती है, तो मेरा ये चीज़ तो बहुत अच्छा लगा वहाँ।
कौन सा वो आप बड़ा वाला वहाँ पे जाओ ना तो ये सब चीजें मिस नहीं करनी चाहिए, लेके आना चाहिए, लेकिन मेरे से मिस हो गया ये चीजें लाना। ये बड़ा वाला संघ था और छोटा वाला संघ था, हम सोचे कि नेक्स्ट डे जाएंगे तो ले लेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम जो गए थे तो हम शाम में नहीं गए, हम दिन में गए ना, तो जिसके कारण से हम ले नहीं पाए। सच बता रहे संघ लेने की बहुत इच्छा थी, चलो कुछ चीजें छूट जाती है तो फिर बाद में ले लेंगे। मम्मा उसको एक चीज ले ले। हाँ हाँ। अरे कौन जी? जो चाहिए मतलब पहले पसंद तो करो। ये लेगा ये। बस इसको ले ले। और फिर हम यहाँ पे आ गए कुछ कुछ लकड़ी का सामान लेने के लिए। तो मैंने ये लकड़ी का चम्मच लिया, जिसमें क्या होगा ये हम बेसन वगैरह वाले में डब्बे में डाल देंगे ना तो अच्छा रहेगा। लकड़ी वाला चम्मच मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस यही सब छुटमुट सी शॉपिंग हमने की। और ये देखो पूरी का पूरा नज़ारा, यहाँ सी बीच वाला नज़ारा है जो रोड से हमने थोड़ा कैप्चर किया है। हम एक डेढ़ घंटे मार्केट में थे, फिर शिवानी और बोबो ने मोमोज वगैरह खाया, फिर हम थोड़ा सा घूमे, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, जगह देख रहे थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे तो हमें अच्छा लग रहा था। और दूर से देखो ये कितना जगमगाता हुआ सब खूबसूरत लग रहा है। सो हमने बहुत इंजॉय किया बीच में वो शाम। हेलो टू एवरी वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम करते हैं और कैसे हैं आप सब? और हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं पूरी मंदिर पूजा करने के लिए। देखो ये घूम रहा है। चल क्यों, ठीक है ना? सो हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। इसको जैकेट नहीं, रेड वाला। अभिषेक बोल रहा है जिसको जैकेट पहनना है बैग में है बेटा, यहीं पे रखा है। प्लीज बेटा ऐसे निकल, ठंडा लग जाएगा। तो अभिषेक जी गुड मॉर्निंग बोलिया। ये इंसान सुबह 5 बजे से रेडी है और हम लोग निकल रहे हैं सुबह 6 बजे। हम लोग निकल रहे हैं सुबह 6 बजे, मतलब अभी रिसेप्शन का गेट वगैरह भी नहीं खुला है। उस लेके जा रहा होगा शिवानी। सो हम लोग सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं। और बोबो जी का नाटक आप लोगों ने देखा कि वो सुबह देखा कि इनको कैसा करना था कि जैकेट इनको पहनने की इच्छा थी लेकिन ये पहनना नहीं चाहते थे क्योंकि किसी ने पहना नहीं है। लेकिन हम ले चुके हैं जैकेट और हम सोच रहे हैं सबसे पहले जाते हैं पूजा करेंगे फिर कुछ किया जाएगा लाइफ। मतलब सच बता रहे मन मुराद पूरी हो गई मेरी। चलते हैं। हम लोग रिक्शा में बैठ के, ऑटो रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं शिवानी। ऐसे नहीं करो, तुमको क्या हुआ है मंदिर? ये जैकेट पहन लिया वो बहुत ठंड है सुबह सुबह ना के, वो बिल्कुल परेशान नहीं किया। हाँ हाँ, जैसे सुबह हो जाएगा धूप हो जाएगा वो भी जैकेट खोल देगा। चला गया कि So, सुबह सुबह हो गई हमारी पूजा। अभी 8 बजे हैं तो आराम से पूजा करके भोग
ग्रहण करके भोग कभी, और हम लोग अब निकल गए हैं अपने होटल होटल जाएंगे, और होटल में जा करके क्या हुआ अभी तो चलिए वो फोटो ले लिया। और ये मैंने ऑटो में रिकॉर्ड किया था, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी लेकिन आवाज़ नहीं क्लियर है, तो मैं यही बता रही हूँ कि हमने पूजा बहुत अच्छे से कर लिया और हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं अब होटल की तरफ, और फिर वहाँ से हम लोग चेंज वगैरह करके फिर हम जाएंगे भुवनेश्वर, और रास्ते में जो सारी चीज़ें हैं हम वो घूमेंगे, कोणार्क टेम्पल वगैरह। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और सच बता रही हूँ बहुत अच्छे से हो गई पूजा मेरी। बहुत बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं पूजा कर लूँ, बड़ी इच्छा थी मन में, लेकिन क्या होता है जब तक आपको भगवान नहीं बुलाते हैं तब तक आप नहीं जाते हो, तो मेरे मन में भी था, तो भगवान ने बुलाया, हमने पूजा कर ली, बहुत मन में बहुत संतुष्टि थी, मतलब दिल खुश हो जाता है आप ये सारी चीज़ें करने के बाद। सो बस हो गई सारी चीज़ें, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।